नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के निरसा में गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश उत्सव निरसा गुरुद्वारा में धूमधाम के साथ मनाया गया। 72 घंटे से चल रहे गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ की समाप्ति हुई। समाप्ति के बाद गुरुद्वारा प्रांगण में गुरु नानक देव जी का भव्य दीवान सजाया गया, जहां शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली के मुख्य ग्रंथी साहब अंग्रेज सिंह जी द्वारा कथा की गई एवं भाई लवलीत प्रीत भंगू एवं उनकी टीम के द्वारा शब्द कीर्तन किया गया। इस दौरान हजारों लोगों ने लंगर छका। कार्यक्रम में निरसा गुरुद्वारा के साथ गोविंदपुर, कुमारडूबी, बर्नपुर, आसनसोल, गोविंद नगर सहित बड़ी संख्या में झारखंड बंगाल के सिख साथ संगत का जुटान हुआ। मौके पर पूर्व विधायक अरूप चटर्जी, मंजीत सिंह भंगू, रंजीत सिंह मक्कड़, भाजपा नेता मधुरेंद्र गोस्वामी आदि मौजूद रहे। निरसा संवाददाता पप्पू केवट की रिपोर्ट। आज हम लोग का गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है 552वां, और इस सिलसिले में निरसा गुरुद्वारा में जिस तरह से कीर्तन, दरबार, कथा और गुरु महाराज का पाठ होता है, इस साल भी उसी तरह हो रहा है और सारी संगत पूरे उत्साह के साथ गुरु नानक जयंती यहाँ निरसा में मना रही है और बड़ा उत्साह है। और आज हम लोग के लिए और एक उत्साह है कि आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किसानों का जो कृषि कानून रद्द किया गया है, इसके लिए हम लोग मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं और बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है और इससे किसानों का भी भला होगा और देश का भी भला होगा। भाई आज पूरे देश भर में प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है और इसी के दिन आज तीनों कृषि कानून को वापस आने का नतीजा भी आज प्रधानमंत्री ने घोषणा की, कैसे देखते हैं इस पूरे पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर? सबसे पहले तो गुरु नानक देव जी की जयंती पर हम तमाम देशवासियों को अपना शुभकामना देते हैं। गुरु नानक देव जी के जो सीख है, जो शिक्षा है, वो हम तमाम लोग शिक्षा को ग्रहण करते हुए हम लोग अपने जीवन और सबसे खुशी की बात है जो आज इस दिन पर देखते हुए तीनों रेल को भी